अस्सलाम वालेकुम। प्लीज़ हमारा चैनल लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। आज हम बनाने जा रहे हैं मज़ेदार से डोनट्स, जिसके लिए हमने एक कप नीम गर्म पानी लिया, एक चम्मच चीनी, थोड़ा सा नमक, बिल्कुल चुटकी बराबर नमक, एक चम्मच ईस्ट डाली हमने। इसमें ईस्ट आराम से कहीं भी जितनी मिल जाती है। इसे अच्छी तरह से मिक्स करके 10 मिनट के लिए छोड़ दिया था। फिर इसमें हमने एक अदद अंडा लिया है, हमने इसे वो मिक्स करके छोड़ना है थोड़ी सी देर। उसके बाद हमने इसमें एक कप मैदा लिया है। मैदे को अच्छी तरीके से छान लें। छानने के बाद उसमें एक चम्मच हमने सूखा दूध डाला है, मतलब नीडो ले लें, अवरीडे कोई भी ले लें। इसे अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हमने अंडा और जो ईस्ट, पानी, ये सब चीज़ें थी, इसमें हमने 2 चम्मच ऑयल शामिल करके और इसे अच्छी तरह फेंटा है। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता और मुलायम हाथों से इसे घूमना है, थोड़ा थोड़ा डालते जाएँ, घूमते जाएँ, और बहुत मज़ेदार सा इसका डो बनाना है मुलायम। उसके बाद इसे 1 घंटे के लिए रेस्ट करने छोड़ देना है। ये डोनट्स की चॉकलेट लिए, इसे डबल बॉयलर पे हमने इसको मेल्ट करने रख दिया है। ये देखिए हमारा डो कितना फूल के ज़बरदस्त सा हो गया है। इसे अपने पेड़ों में डिवाइड किया है और रोटी की तरह बेल लेना है। हल्का हल्का सा मैदा लगा के इसे रोटी की तरह बेला है। थोड़ा मोटा बेलना है, मतलब 1/2 इंच मोटा, तक ये बहुत मुलायम और फूले हुए बने। हल्की आंच पर फ्राई करना है। आप इसे कढ़ाई में फ्राई कर लें, आप इसे फ्राई पैन में फ्राई कर लें, आप किसी में भी फ्राई कर सकते हैं इसे। और बहुत ज़्यादा मज़ेदार बनते हैं ये, और बच्चों को भी बहुत पसंद होते हैं। ये देखें हमारे मज़ेदार से डोनट्स, इसका कलर भी कितना अच्छा आया है। शेप देने के लिए डोनट्स कटर सबके पास होते हैं। हमने तो इसे ग्लास और बोतल के ढक्कन से इसे कट किया है। ये हमारी मेल्ट हो गई थी चॉकलेट, वो लगाइए। ये स्प्रिंकल्स लगा लें। स्प्रिंकल्स ऑप्शनल होते हैं, आप लगाएं नहीं लगाएं, बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं तो हम तो लगाते हैं। ये देखें इतने मज़ेदार से डोनट्स बन गए, इतने मुलायम सॉफ्ट। बहुत कम वक्त में और बहुत कम पैसों में अच्छे डोनट्स आप घर पर बना सकते हैं, बहुत आसानी से बन जाते हैं। चॉकलेट बिल्कुल 5 मिनट में वापस ड्राई हो जाती है।